हेलो गाइस, वेलकम टू डिजिमिटी न्यूज़। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि कैप्टन अमेरिका सबसे बेस्ट स्पीच कैसे बोल लेता है सभी एवेंजर्स में। और आपको याद होगा, एक एवेंजर ने तो ये भी बोला था कि ये तो एक नेता भी बन सकता है, तो कभी इलेक्शन में खड़ा क्यों नहीं होता। तो बताइए वो कौन सी मूवी थी और किस एवेंजर ने ये बात बोली कैप्टन को। और उसी के साथ हर बार की तरह मेरी वीडियो में काफ़ी सारे कमाल के अपडेट हैं, तो वीडियो को गाइस पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है रूसो ब्रदर की तरफ से। रूसो ब्रदर ने अभी हाल ही में खुलासा करा कि वो चाहते हैं कि जब पूरा वर्ल्ड कोरोना वायरस से मुक्त हो जाए, जब कोई भी कोरोना पेशेंट ना हो, तो वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को थिएटर में दोबारा रिलीज करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा मकसद एक ही है, कलेक्शन को बढ़ाना, जो कि सभी जानते हैं। उसी के साथ डार्क नाइट से रिलेटेड एक अपडेट है एना की। एना ने अभी हाल ही में रिवील करा कि वो डार्क नाइट मूवी में पहले हार्ली क्विन का ऑडिशन देने गई थी, पर वो कैरेक्टर इंक्लूडिंग नहीं करा गया और उन्हें एंड ऑफ फाइनल कैट वूमेन का कैरेक्टर करने को मिला, जो कि वो भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है। देन उसी के साथ एक नया अपडेट है काफ़ी कमाल का, हैप्पी डेथ डे का एक रूमर आया है कि इसका तीसरा पार्ट बन सकता है। और मैं तो चाहती हूँ कि ये बने, क्योंकि इसका पहला पार्ट हिंदी में मुझे बहुत पसंद आया। सेकंड पार्ट का हिंदी का कोई अपडेट होगा तो आपको बता दूंगा। प्रिटी जैक्सन ने भी हाल ही में खुलासा करा कि वंडर वुमन 2 में आपको दो विलेन देखने को मिलेंगे। और तो और पहला विलेन तो पता ही चीता है, पर दूसरा विलेन अभी तक कन्फर्म नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि मैं इसका तीसरा पार्ट भी बनाऊंगी, बट वो एक प्रिक्वल होगा, यानी कि अमेजोन के ऊपर होगा कि वो कहाँ से आए, उनका कल्चर कैसा है। एक अपडेट आया है डार्क फिनिक्स की तरफ से, ये अब तक की सबसे लोएस्ट मूवी है। इसने अभी तक 133 मिलियन का आंकड़ा पार करा है, जो कि आधे से ज़्यादा तो उसके प्रोडक्शन में खर्च हो गया। और एक बिहाइंड द सीन इमेज आई है अवतार 2 की, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और देन मैं इस मूवी के लिए काफ़ी बेसब्र मतलब इंतज़ार कर रहा हूँ। उसी के साथ एक अपडेट आया काफ़ी कमाल का, नाओमी शिमी 3 का, जो कि एक इसका सीक्वल आने वाला है। और ये मूवी ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है, बट डेट अभी तक कन्फर्म नहीं है। देन उसी के साथ एक अपडेट है ट्रांसफॉर्मर की तरफ से, एक इसकी एनिमेशन टीवी सीरीज बन रही है। और देन आपको बता दूं कि साइबरट्रॉन की वर्ल्ड दिखाया जाएगा कि वो कहाँ से आए, तो ये भी बहुत सोचने वाली बात है। देन उसी के साथ एक ऑफिशियली टोटल फिल्म मैगजीन ने इमेज लॉन्च करी है वंडर वुमन की, जिसमें कि वो एक डिफरेंट तरीके से कपड़े पहनी हुई है। तो देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा मूवी में। उसी के साथ एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के राइटर मार्कस ने अभी हाल ही में एक चीज़ रिवील करी। उन्होंने बताया कि हमने स्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से प्लान कर रखा था कि कैप्टन जब ओल्ड हो जाता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड को सील्ड देता है टेक ओवर करने के लिए, यानी कि तुम रखो, अब देश को तुम संभालो, पूरे वर्ल्ड को। बट होता क्या है कि रूसो ब्रदर और केविन फाइगी इसको चेंज कर देते हैं और देते किसको, फैल्कन को। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके ऊपर टीवी सीरीज बननी थी, उन्होंने कुछ प्लान कर रखा होगा। और अगला अपडेट है गेम ऑफ थ्रोन्स की मेन कास्ट, उन्होंने अभी हाल ही में रिवील्ड ये करा है कि वो इंटरेस्टेड थी डेडपूल के फीमेल कैरेक्टर को प्ले करने में। तो गाइज, अगर ऐसा होता तो आप समझ लो फीमेल कितना धमाका मचाती, कौन कौन चाहता है डेडपूल का फीमेल कैरेक्टर देखने को मिले। उसी के साथ एक डिफरेंट अपडेट है डेस्ट्रो की तरफ से, तो उनके डायरेक्टर ने ये कन्फर्म करा कि उन्होंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्हें इसका ओरिजिन बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसकी जो रनिंग टाइमिंग थी वो थी 2 घंटे की। और देन अब बात करते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। तो कैप्टन अमेरिका 1945 से और 2023 तक, यानी कि एवेंजर्स एंड गेम की टाइमलाइन तक जितनी भी उसकी मूवी आई, तो आपने उसके जो स्पीचेस, जो उसके डायलॉग देखे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल होते थे। और देन इसका सबसे बड़ा रीज़न अभी हाल ही में रिवील्ड हुआ, और डायरेक्टर ने ये बताया कि कैप्टन अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है इस लाइन में। जी हाँ, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सभी एवेंजर्स से पुराना भी है, थोर को छोड़ के, क्योंकि कैप्टन अमेरिका को काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा है, उसने इतनी सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, कैसे कैसे लोगों से मिला है, तो उसे पता है किस दुनिया में क्या चल रहा है और उसे कैसी चीज़ें बोलनी चाहिए, क्योंकि वो भाई कैप्टन है। तो गाइस, ये है एक सिंपल सा रीज़न। और देन उसी के साथ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो, या तो उस पर थैनोस के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।